नमस्कार। आज मैं आपको वचन विचार पढ़ेंगे, वचन विहार विचार। तो जैसे पहले हमने लिंग विचार पढ़ा, संज्ञा सर्वनाम, तो अब हम पढ़ेंगे आज वचन विचार। वचन विचार किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। वचन विहार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक वचन या बहुवचन होने का क्या होता है, बोध होता है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके रूप से उसके एक वचन बहुवचन एक वचन बहुवचन होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक वचन बहुवचन होने का क्या होता है, बोध होता है, वह क्या कहलाते हैं, वचन विचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वचन विचार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। अब संस्कृत में हम तीन वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में दो होते हैं बस, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन संस्कृत होता है लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं होता है। तो एक वचन और बहुवचन हो गए, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके, जान चुके हम इसको। तो इसकी परिभाषा अब हम याद करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक वचन या बहुवचन होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं, द्विवचन नहीं होता है, बस पहला और तीसरा बहुवचन। अब हम आ जाते हैं कि बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जैसे अब हम यहां पे आ जाते हैं, नित्य एक वचन, जो हमेशा एक नित्य, जैसे हमने लिंग में पढ़ा था वैसे ही हम यहां पे पढ़ेंगे, नित्य नित्य एक वचन, नित्य एक वचन ऐसे शब्द है जो क्या लगते हैं, होते हैं हमेशा नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, नित्य एक वचन में रहने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे लिखते हैं यहाँ पे पानी, पानी क्या है, नित्य एक वचन रहने वाला, क्या है, नित्य हमेशा एक वचन में ही रहता है। आकाश,
पानी आकाश है ना, आकाश भी क्या है, नित्य एक वचन है। जनता, वर्षा, ये क्या होते हैं, नित्य हमेशा एक ही वचन में चलते हैं ये शब्द। घी जो ते हैं, घी, सत्य, ऐसे लिखेंगे, झूठ, झूठ आदि, ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में ही चलते हैं, नित्य एक वचन। पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, सत्य, झूठ आदि, ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं, ये हमेशा किसमें चलते हैं, एक वचन में ही चलते हैं, नित्य एक वचन वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं नित्य बहुवचन शब्द, नित्य बहुवचनांत शब्द, जो नित्य क्या चलते हैं, हमेशा बहुवचन में चलते हैं। ऐसे शब्द कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे शब्द है प्राण, आंसू, ये शब्द कैसे हैं, प्राण, आंसू, दर्शन, दर्शन, ऐसे लिखेंगे, दर्शन, दर्शन, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, घोष, आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, हमेशा नित्य बहुवचनांत शब्द हैं। कैसे हैं, नित्य बहुवचनांत शब्द हैं। अब देखेंगे एक बार, प्राण, आसमू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, ये शब्द क्या है, सब नित्य हमेशा बहुवचनांत चलते हैं, ठीक है। हम इनका प्रयोग बहुवचन में ही करते हैं, एक वचन में नहीं होते है ना। अब इसको हम बहुवचन में ऐसा नहीं बोलेंगे प्राण चले गए, फिर प्राण चले गए, ऐसा नहीं बोलते हैं। दर्शन करने हैं, दर्शनों करने नहीं होगा। तो ये क्या है, नित्य हमेशा क्या होते हैं, ये एक बहुवचन शब्द हैं। नित्य क्या चलते हैं, ये बहुवचनांत शब्द हैं, और नित्य एक वचनांत शब्द ये है। तो ये हमेशा जो एक वचन है वो एक वचन में ही चलते हैं, वो बहुवचन में परिवर्तन नहीं होते। जो नित्य बहुवचन वाले शब्द है वो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही चलते हैं, उनमें क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे हम लिंग में देख रहे थे कि लिंग विचार में देख रहे थे कि पुरुष पुल्लिंग है तो उसको हम स्त्रीलिंग में बदल दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, नित्य एक वचन है तो वह क्या रहेगा, हमेशा एक वचन में ही रहेगा, वो बहुवचन में परिवर्तन नहीं होगा। नित्य का मतलब हमेशा उसी रूप में वह रहता है, उसमें कोई क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वह हमेशा कैसे रहता है, एक वचन में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन उसको बहुवचन में नहीं होगा। पानी है तो पानियों नहीं होगा, वह हमेशा क्या रहेगा, चाहे वहां कैसे भी वाक्य प्रयोग हो, हमेशा उसको क्या करेंगे, हम पानी ही लिखेंगे, है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, नित्य एक वचन में ही लोग चलते हैं। नित्य बहुवचन शब्द है तो नित्य हमेशा क्या होते हैं, वह बहुवचन में ही क्या होंगे, वह चलेंगे, उनमें क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं कि हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर लें, बहुवचन को एक वचन में, ऐसा नहीं होता। तो ये नित्य एक वचन है और नित्य बहुवचन शब्द हैं, ये हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं। नित्य का मतलब क्या होता है, हमेशा, क्या होता है, हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं, अब एक वचन और बहुवचन। अब जैसे यहाँ पे हमने तो ये पढ़े कि एक वचन और बहुवचन, तो हम ऐसा शब्द पढ़ेंगे जो क्या है, एक वचन
को हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे और बहुवचन को एकवचन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो जो पहले मैंने आपको लिखा है नित्य, एकवचन, नित्य, बहुवचन, इनमें ये हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं, इनमें क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको ऐसे शब्द बताने जा रहा हूं जहां पे क्या होता है कि एकवचन को बहुवचन में परिवर्तन करना है। एकवचन और यहां पे लिख देते हैं हम बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन को हमने क्या करना है, बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसे शब्द है, एक वचन है बात, शब्द क्या है बात, हम बोलते हैं ना बात मत करो, बात मत करो, ये क्या शब्द है बात मत करो, एक वचन हो गया। अब हम इसको हम क्या करेंगे, बहुवचन में क्या लिखेंगे इसको, बातें, क्या लिखेंगे बातें, क्या हो जाएगा बातें। ऐसी शब्द है बहन, शब्द है क्या है बहन, एक वचन हो गया बहन, तो ये क्या हो जाएगा बहने, बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा बहने, ठीक है। तो ऐसे किस शब्द है कपड़ा, शब्द क्या है कपड़ा, ये कपड़ा शब्द है, तो इसको बहुवचन में क्या हो जाएगा कपड़े, क्या हो जाएगा कपड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक वचन ये बहुवचन है, तो बातों की बात शब्द एक वचन का है और बातें क्या हो गया बहुवचन हो गया, तो ऐसे बहन शब्द है बहने हो जाएगा। तो ऐसे और शब्द है जैसे नदी शब्द है, नदी क्या है एक वचन है, अगर हम इसको क्या करेंगे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, इसको क्या करेंगे हमें बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, तो क्या हो जाएगा नदियां, क्या हो जाएगा नदियां, ये ठीक है, ऐसे नदियां हो जाएगा। फिर ऐसे शब्द हैं और शब्द है, जैसे मान लो चिड़िया शब्द है, क्या है पक्षी है एक चिड़िया, एक हमने एक चिड़िया देखी तो क्या बोलेंगे हम एक चिड़िया देखी, ठीक है चिड़िया, और हमने क्या किया बहुत सारे चिड़ियाएं देखी तो एक चिड़िया देखी तो क्या हो गई एक हो गई, बहुत सारी चिड़िया देखी तो चिड़िया, बहुत सारे चिड़ियाएं देखी चिड़िया, है ना, ये चिड़िया एक है तो एक बहुवचन। अगर हम इसको जैसे छात्र शब्द है, क्या है छात्र, और यहां पे हम छात्र को बहुत सारे छात्र भी, बहुत सारे छात्र हैं, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे छात्रगण भी लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बहुत सारे छात्रों भी लिख सकते हैं, छात्रगण भी हो गया, क्या लिख देंगे छात्रगण, है ना, सम्मान देने का अर्थ है ये छात्रगण, जैसे गुरु है तो गुरु गुरुजन, है ना, प्रजा है तो प्रजाजन, सम्मान देने के अर्थ में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, सम्मानार्थ के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं सम्मान देने के अर्थ में, जैसे शब्द है गुरु, गुरु शब्द है, इसको हम बहुवचन में परिवर्तन कर लेंगे क्या हो जाएगा गुरुजन, क्या हो जाएगा गुरुजन, ये ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम मिला के गुरुजन, क्या हो जाएगा गुरुजन। ऐसे और शब्द है जैसे प्रजा है प्रजाजन, ऐसे शब्द है मजदूर, मजदूर, क्या हो जाएगा इसमें भी हम क्या कर देंगे मजदूर वर्ग लिख देंगे, क्या लिख देंगे मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ठीक है। तो ये क्या है वचन विचार है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं बच्चों की एक वचन को हमने कैसे बहुवचन में परिवर्तन करते हैं,
एक बहुवचन को एक वचन में भी कैसे कर लेंगे, देखो यहाँ पे बात है शब्द है, एक वचन में करना है तो बात हो जाएगा, बहन है शब्द है तो बहन हो जाएगा एक शब्द एक वचन में, कपड़े शब्द है बहुवचन अंत तो क्या हो जाएगा एक वचन में कपड़ा हो जाएगा, नदियां शब्द बहुवचन है तो क्या हो जाएगा एक वचन में नदी हो जाएगा, तो ऐसे छात्रगण बहुवचनांत शब्द है तो उसको क्या हो जाएगा एक वचन में छात्र हो जाएगा, तो छात्र को ही हमने क्या करना है एक बहुवचन में परिवर्तन करना है तो छात्रगण, तो ऐसे तो ये शब्द क्या हुए एक वचनांत शब्द को क्या किया हमने एक वचन वाले शब्द को क्या किया बहुवचन में परिवर्तन किया, तो ये शब्द है। अब जैसे गौ है गौआ, डिबिया बहु बहु है, तो ऐसे कन्या कन्याएं, लता लताएं, ये सब क्या है एक वचन से बहुवचन में ये परिवर्तन इनमें हो जाता है, जो नित्य वाले पढ़ाए उनमें क्या नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है, वह हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, तो इनमें परिवर्तन हो जाता है एक वचन से बहुवचन में हो जाता है, बहुवचन से एक वचन में क्या होता है परिवर्तन होता है। दूसरी बात आपको मैंने बता रहा हूँ कि जो बहुवचनांत शब्द होते हैं वह हमेशा आदर देने के सम्मान देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है उनका, ठीक है, किसी को हम सम्मान दे रहे हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, है ना? तो बहुवचन शब्द यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुवचन आदर सम्मान के लिए अर्थ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब तो ये आपके वचन विचार के अंतर्गत हमने इतना जाना नित्य एक वचन नित्य बहुवचन, एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तन करते हैं, बहुवचन को एक वचन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, तो हमने इसके अंतर्गत वचन विचार के अंतर्गत ये जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।